हाँ तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशोलॉजी विद विकास में। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने लुईस कोजर, ठीक है, संघर्ष प्रकारवाद की मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग दोस्तों को शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा और आपकी स्टडी में मदद जरूर करेगा। तो दोस्तों, मैं जो भी बताऊंगा, ठीक है, वो नेट JRF और MA के हिसाब से ही होगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल ही सरल लगेगा। दोस्तों, एक बार मैं जब ये वीडियो मेरा देख लेना, तो दोस्तों आप लोग बुक्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है, लुईस कोजर, संघर्ष प्रकारवाद। तो दोस्तों, बात करते हैं, सबसे पहले इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इस बुक में उन्होंने अपना ये संघर्ष प्रकारवादी की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें उन्होंने ये बताया था कि संघर्ष अपने सिद्धांत को इन्होंने इसमें द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में प्रस्तुत किया था, ठीक। इस सिद्धांत को संघर्ष का प्रकारवाद भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक संघर्ष के कार्यात्मक पहलू पर जोर दिया था। इतना समझ में आया ना दोस्तों? सबसे पहले उनकी बुक्स द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इसका मेंशन इस जरूर करना है एग्जाम पे, ठीक है। कोजर कहते हैं कि संघर्ष नियमित, स्वाभाविक और स्वतः स्फूर्त होता है, यानी कि स्वतः उत्पन्न होता है, ठीक है। संरचना से संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष के सकारात्मक यानी कार्यात्मक परिणाम है, अर्थात संघर्ष समाज में कार्य का निर्माण करता है, यानी कि संघर्ष जब होता है तो किसी कार्य का निर्माण होता है, ठीक है। संघर्ष एकीकरण को जन्म देता है, यानी कि जब किसी पक्ष में संघर्ष होता है तो उनमें एकीकरण होता है, या तो जो भी उसका परिणाम होता है। और इसमें उन्होंने कोजर के अनुसार दोस्तों, सामाजिक संघर्ष के संभावित परिणाम दो प्रकार के हैं, एक है संगठनात्मक और दूसरा है संघर्ष। सामाजिक संघर्ष के सांगठनिक परिणाम उस स्थिति में देखने को मिलते हैं जहां संघर्ष कर रहे विरोधी दलों का समाज के कुछ बुनियादी मूल्यों, ठीक है, बुनियादी जो मूल होते हैं उनमें विश्वास रहा है, समान विश्वास है। जैसे उदाहरण के लिए, लोकतंत्र के कुछ बुनियादी मूल्यों के आधार पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दल संसद या विधानसभा के अंदर और बाहर आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन इस तरह के टकराव और आलोचना के माध्यम से दोनों पक्षों को अपनी अपनी कमियों का पता चलता है और वे उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बाहरी समूह के साथ संघर्ष होने पर भी समूह के सदस्यों के बीच एकता विकसित होती है, क्योंकि उनके पास एकजुट होने और दुश्मन का सामना करने के लिए समाज की इच्छा या दृढ़ संकल्प शक्ति होती है। यहां तक समझ में आया दोस्तों सभी को? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, या तो मुझे मेल करके, मैं इसका नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, इसी में वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष संघर्ष के अलावा अप्रत्यक्ष संघर्ष के तहत प्रतिस्पर्धा का भी उल्लेख किया जा सकता है। जैसे इसके विपरीत है, सामाजिक संघर्ष के विनाशकारी परिणाम तब उत्पन्न होते हैं जब विरोधी दलों को समाज के मूल्यों में कोई मूल जो होते हैं मतलब मूल मूल्यों में कोई विश्वास नहीं होता है, और वे एक दूसरे को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों? आगे चलते हैं। दो सेनाओं के बीच युद्ध या दो संप्रदायों के बीच दंगा, ऐसे ही संघर्ष जो विघटनकारी परिणाम उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण समाज में जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है, क्षति होती है, लोगों का हानि पहुंचती है, शारीरिक भी, संपत्ति भी, जो भी। कोजर के अनुसार यदि संघर्ष के इन दोषों को दूर कर दिया जाए तो संघर्ष समाज या समूह के लिए लाभकारी होता है। उनके शब्दों में ही मैं बता रहा हूं दोस्तों, संघर्ष कभी भी असफल नहीं होता है, लेकिन समूह के गठन और स्थिरता के लिए संघर्ष की कुछ मात्रा एक आवश्यक या मौलिक तत्व है। कोजर ने दो प्रकार के संघर्षों का उल्लेख किया है, ठीक है दोस्तों, यथार्थवादी संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष। तो दोस्तों, वे संघर्ष जो कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ लक्ष्यों के आधार पर उत्पन्न होते हैं या
असफल लक्ष्यों को पुनः प्राप्त करने की ओर उन्मुख होते हैं उन्हें यथार्थवादी संघर्ष कहते हैं। यथार्थवादी संघर्ष, ठीक है। इस तरह के संघर्ष के पक्षों के कुछ वास्तविक लक्ष्य होते हैं और वे कुछ ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए ही एक दूसरे से टकराते हैं। एक यथार्थवादी संघर्ष में दो विरोधी पक्ष अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अधिक जोर देते हैं, दूसरे पक्ष को नष्ट करने पर नहीं। ऐसा वो नहीं सोचते हैं कि हमें उस पक्ष को बिल्कुल ही खत्म कर देना है, एकदम उसका अस्तित्व ही एकदम खत्म कर देना। उनके बीच विरोधी होंगे, उनके बीच खींचातानी होती है, ठीक है। दोनों के लक्ष्य होते हैं, वो अपने लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए ऐसा करते हैं, बट अब एक दूसरे को खत्म करने की उनके अंदर भावना नहीं होती है। इसके विपरीत जो अवास्तविक संघर्ष है वो क्या है दोस्तों, समझना। अवास्तविक संघर्ष में लक्ष्य या परिणाम स्पष्ट होता है, ना ही कोई विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने का संघर्ष, ठीक है। ऐसे संघर्ष में लक्ष्य या परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होता, इनमें विरोधी पक्ष पर ही हमला होता है, विरोधी पक्ष जो होता है उस पर हमला होता है। यह स्पष्ट है कि यथार्थवादी संघर्ष में लक्ष्यों या परिणामों को प्राप्त करने पर अधिक जोर दिया जाता है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में संघर्ष में भाग लेने वाले दलों के सामने कार्यात्मक विकल्प होते हैं। अतः यथार्थवादी संघर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति शत्रु के नाश से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अवास्तविक समझ में आया दोस्तों कि इसमें जो लक्ष्य परिणाम स्पष्ट होता है, इसमें विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने का संघर्ष होता है, इसका परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होता, इसमें विरोधी पक्ष पर ही हमला होता है। इतना समझ में आया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों संघर्ष के कारण। संघर्ष के कारण क्या है? समाज में दुर्लभ संसाधनों का वितरण समान रूप से नहीं है, इसका समान रूप से वितरण होना चाहिए तो संघर्ष नहीं होगा। दूसरा, समूह की वंचना जितनी ज्यादा पूर्णता से सापेक्षता की ओर होगी, संघर्ष की शुरुआत की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पहला बताया दोस्तों, जो भी दुर्लभ संसाधन है हमारे समाज में प्रकृति द्वारा है, जो भी है उनका वितरण समान नहीं है, कुछ लोग ज्यादा उसका उपभोग कर रहे हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। दूसरा होती है एक वंचना होती है, समूह की वंचना, बहिष्कार जिसको बोलते हैं, पूर्णता सापेक्षता की ओर संघर्ष की शुरुआत संभावना उतनी ही अधिक होती है। संघर्ष के स्वरूप भी दो होते हैं दोस्तों, तो आप लोग संघर्ष के स्वरूप में आंतरिक स्वरूप संघर्ष होता है और एक बाह्य संघर्ष होता है। तो दोस्तों आप लोग आंतरिक संघर्ष समझ रहे होंगे, जैसे सपोज दैट यूपी है, बिहार है, कुछ भी है, झारखंड है, तो जैसे ये लोग आपस में ही कुछ लोग संघर्ष कर रहे हो, मान लो कोई धर्म का हो या कुछ भी हो, जाति के लेकर आपस में संघर्ष कर रहे हो, तो ये आंतरिक संघर्ष यानी कि एक देश के अंदर ही संघर्ष जो भी होता है, उसके जो भी परिणाम होते हैं, जो भी उसके सामने समस्याएं होती हैं, मतलब एक तरीके से जो संघर्ष किया जाता है वो आंतरिक संघर्ष कहलाता है। और जो बाह्य संघर्ष होता है दोस्तों, सपोज दैट जैसे यहाँ से फ्रांस, यूरोप, पाकिस्तान, अगर वहां से लोग हम लोगों के यहाँ अटैक करें या यहाँ से लोग कोई अटैक करे, तो बाह्य संघर्ष दोनों के मध्य होता रहता है। किसी कहीं सीमा विवाद लेकर हो गया, कहीं आयात निर्यात कर को लेकर हो गया, कुछ भी हो गया, आतंकवाद को लेकर हो गया, तो इस तरह के जो संघर्ष होते हैं वो बाह्य संघर्ष कहलाते हैं। एक आंतरिक संघर्ष और एक बाह्य संघर्ष, और दो संघर्ष के मैंने प्रकार बताए थे, यथार्थवादी और अवास्तविक संघर्ष। तो दोस्तों आपको समझ में आया ना ये सब, ठीक है। निष्कर्ष में दोस्तों पहुंचते हैं, इस प्रकार कोजर का निष्कर्ष यह है कि सामाजिक संघर्षों के विघटनकारी रूप को प्रस्तुत करना उचित नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संघर्ष के सभी रूप समाज के लिए फायदेमंद हैं। संघर्षों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, हालांकि संगठनात्मक परिणामों या संघर्ष के सकारात्मक कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संघर्षों का सामाजिक कार्य बहुत महत्वपूर्ण और दूरगामी होता है। तो दोस्तों एक बार कहो तो मैं एक बार रिविजन के लिए बता देता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को लेविस कोजर का संघर्ष का जो प्रकारवाद है उन्होंने इस पर पढ़ना है, ठीक है। इनकी बुक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों इसमें एक तरीके से दो प्रकार है, संगठनात्मक और विघटनकारी, ठीक है, इसको याद रखना। और दूसरा उन्होंने जो प्रकार बताए हैं कोजर के अनुसार संघर्ष के जो प्रकार हैं, यथार्थवादी और अवास्तविक। इतना हो गया दोस्तों, मैंने कारण भी बता दिया है कि मतलब जो संसाधन होते हैं उनका समान रूप से वितरण नहीं होता है,
तो वो ऐसा होते हैं। दूसरा एक वंचना होती है, लोगों को बहिष्कार होता है, तो इसके बीच भी संघर्ष होता है। ठीक है, निष्कर्ष भी मैंने बता दिया है, आपको बुक्स का नाम याद रखना है जो मैंने बताया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा दोस्तों। तो हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि दोस्तों आपको एक बार बुक में जब आप पढ़ेंगे, एक बार मेरा लेक्चर ये देख लेंगे, तो आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती एग्जाम में। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने पूरा प्रयास किया है दोस्तों, अपना 100% देने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए और दोस्तों को भी बताइए। सोशियोलॉजी विद विकास यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के बीच सरल सरल तरीके से एकदम व्यवहारिक रूप में ही समाजशास्त्र को समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसा भी हो आप लोग कर लीजिए, सब लोग पढ़िए अच्छे से, मन से पढ़िए, बढ़िया से एकदम समाज में लागू करिए और व्यवहारिक तरीके से ही समाजशास्त्र पढ़िए। हाँ, जैसे कुछ परिभाषाएं होती हैं दोस्तों, उसमें से कठिनाइयाँ होती हैं, तो आप लोग उनको पढ़िए, समझिए, कुछ की पॉइंट्स निकाल लीजिए, उन की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और उनको याद कर रखिए, और उसी के अनुसार भी परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। जैसे संघर्ष क्या है, सपोज दैट, ये सब आता है एग्जाम में या इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग समझ से और अपना ये सब करिए दोस्तों। तो मैं ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। डेरेंडॉर्फ होगा शायद, हाँ नेक्स्ट टॉपिक डेरेंडॉर्फ ही है जो मैं बताऊंगा। 2-3 दिन बाद वीडियो आएगा, तो आप लोग जब तक रिवीजन करिए, पढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको सबसे पहले मेरा ये वीडियो नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है दोस्तों।